हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए यूपीएसआई और UP SSSC जूनियर असिस्टेंट से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक, हिंदी का टॉपिक लेकर के आए हैं, जिनमें इम्पोर्टेंट कवि और उनकी जन्म स्थली के बारे में बात करेंगे। ये जो आपका टॉपिक है, ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एग्जामिनर को थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस बनाना होता है तो वो इस टॉपिक से क्वेश्चंस ला करके रख देता है। तो कई बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। मुश्किल से 5 मिनट का वीडियो रहेगा ये, और इस वीडियो के दौरान ही आपको सारे कवि और उनके जन्म स्थली याद हो जाएंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करवाया हुआ है, जिससे कवि और प्रमुख, उन कवियों से प्रमुख संबंधित रचनाओं के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन से आपका सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी की जो जन्म स्थली है वह आपकी कौसानी, वागेश्वर, उत्तराखंड। मोस्टली आपसे राज्य का नाम पूछा जाएगा, 99% जो पूछा जाएगा वो राज्य का नाम पूछा जाएगा। बहुत ही मुश्किल है 1% की आपसे जिले का नाम या उनके गांव का नाम पूछ ले, तो मुश्किल से ही ऐसा होगा, लेकिन आप राज्य का नाम बिल्कुल अच्छे तौर पे याद करो। सुमित्रानंद पंत की जन्म स्थली कौन सी है? उत्तराखंड। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की जो जन्म स्थली है वो क्या है? कस्या। क्या है? कस्या। कसिया एक गांव का नाम है, कुशीनगर जिले का नाम है, और राज्य का नाम पूछो तो राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। समझ गए? तो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की जन्म स्थली है कसिया, कुशीनगर जिले का नाम और उत्तर प्रदेश राज्य का नाम। लिखना भूल गया तो आप याद कर लेना। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ देवबंद गांव सहारनपुर। कहाँ पर? देवबंद गांव सहारनपुर। नेक्स्ट है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल। तो वासुदेव ये सब उत्तर प्रदेश के हैं, ये ध्यान रखना। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जन्म स्थान है वो है आपका मेरठ। विद्या निवास मिश्र, तो विद्या निवास मिश्र का जन्म स्थान है पकड़डीहा गांव गोरखपुर। कहाँ पर? गोरखपुर। और गोरखपुर से ही कौन है? हमारे प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। बृंदन लाल वर्मा, इनका जन्म स्थान है मऊरानीपुर, यानी कि झांसी जिले का नाम है। झांसी का ही मैं रहने वाला हूँ, तो झांसी स्टेशन पे आप जब देखेंगे तो त्रिमूर्ति बनी हुई है, जिसमें से एक मूर्ति बृंदालाल वर्मा, मैथिली शरण गुप्त इनकी है। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की जन्म स्थली क्या है? तो यह है आपकी रायबरेली। और मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जन्म स्थली क्या है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जन्म स्थली है बलिया। क्या है दोस्तों? बलिया। बलिया जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जन्म स्थली है। जैनेन्द्र कुमार की जन्म स्थली क्या है? तो जैनेन्द्र कुमार की जन्म स्थली है कैडियलगंज अलीगढ़। राहुल संकरत्यायन की जन्म स्थली, तो राहुल संकरत्यायन की जन्म स्थली है पन्हा गांव आजमगढ़। इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। जयशंकर प्रसाद तो बिल्कुल रट लो, जयशंकर प्रसाद की जन्म स्थली का नाम है वाराणसी। क्या है दोस्तों? वाराणसी। हरिवंश राय बच्चन की जन्म स्थली का नाम क्या है? तो हरिवंश राय बच्चन की जन्म स्थली का नाम है इलाहाबाद। क्या है दोस्तों? इलाहाबाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जन्म स्थली का नाम क्या है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म स्थली का नाम है मोदनीपुर पश्चिम बंगाल। क्या? मोदनीपुर पश्चिम बंगाल। और मृत्यु इनकी इलाहाबाद में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त की जन्म स्थली का नाम क्या है? चिरगांव। चिरगांव ये भी झांसी के अंतर्गत ही आता है, तो इसको याद कर लीजिए, चिरगांव। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रताप नारायण मिश्र की जन्म स्थली, तो उनकी जन्म स्थली का नाम है उन्नाव। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जन्म स्थली दौलतपुर गांव रायबरेली। क्या? दौलतपुर गांव रायबरेली। अयोध्या सिंह उपाध्याय की जन्म स्थली क्या है? निजामाबाद आजमगढ़। क्या? निजामाबाद आजमगढ़। मुंशी प्रेमचंद्र की जन्म स्थली का नाम क्या है? लम्ही ग्राम वाराणसी। वाराणसी मोस्टली पूछा जाता है, तो इसको जरूर से याद कर लो, वाराणसी। लल्लू लाल की जन्म स्थली का नाम क्या है? तो लल्लू लाल की जन्म स्थली का नाम है आगरा। क्या है दोस्तों? आगरा। बिहारी की जन्म स्थली का नाम क्या है? बिहारी की जन्म स्थली का नाम है ग्वालियर। और लास्ट है आपका महाकवि भूषण की जन्म स्थली का नाम क्या है? तो महाकवि भूषण की जन्म स्थली का नाम है तिकांबरपुर
कानपुर, कानपुर मोस्टली आप जिले का नाम याद कर लो तो ज़्यादा ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 20 या 21 कवि जिनकी जन्मस्थली के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोग लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।